शेर दिल महमूद अहमद साहब फरमाते हैं कि अगर वो झूठे दावों को छोड़ दें, अगर वो इस अमर को अपने दिलों से निकाल दें कि हम अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे तो यूं हो जाएगा और वो इस धोखे में इस तरह बच सकते हैं। वो जितना इस्लाम का मुनकिर होता है उतनी ही बुलंद आवाज में वो इस्लाम का नारा लगाता है। उसका इस्लाम से इनकार और इस पर अमल ना करने का ऐब पड़ा हुआ पर्दा है। खुतबा जुमा 30 जनवरी 1948। एक दूसरा फरमान है इसी तरह का, अक्सर हिस्सा इन नारे लगाने वालों का जो अमल से आरी है। यह है खुतबा जुमा 7 सितंबर 1951। एक और फरमान है, वफाते मसीह पर लेक्चर देना, मुंह से अहमदियत जिंदाबाद के नारे लगाते रहना खत्म है, कभी कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। खुतबा जुमा 28 फरवरी 1941। ये तीन मुख्तलिफ जगहों पे के फरमान आपको बता दिए हैं हवालतन, लेकिन अगर आप इनके हवालों पे जाएंगे या इन चीजों को तलाश करना चाहेंगे तो आप यकीन माने आपको हर दूसरी जगह पे इस किस्म के उनके फरमान मिलते हैं या जगह बजा मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने नारे लगाने वालों को सख्त गलत करार दिया है, मजम्मत की है, तरदीद की है और क्लियर अल्फाज में कहा है ये खाली बर्तन की माने जिस तरह बज रहे होते हैं। और हकीकत भी यही है, क्योंकि खोखलापन इंसान को शोर दिलाता है। जो भरा हुआ होता है बर्तन वो कभी शोर नहीं करता, तो हमेशा शोर करता है वो जो ढोल जो बजता है वो खाली होता है अंदर से। तो इसी तरह ये नारेबाजी जो है ये खालीपन की अलामत होती है, ये हकीकत है। लेकिन और इस चीज का इन्होंने बरमला इजहार किया है मुख्तलिफ जगहों पर, और ये बड़ी लुत्फ की बात है कि ये अकाबरीन जितने होते हैं ये अकायद के, ये जानते हैं इंसान की नफसियात को, क्योंकि वो खुद भी इसी के वो खुद भी जानते हैं कि हम इसी खालीपन का फायदा उठा रहे हैं इनके, कि ये तमाम अंदर से खाली हैं। और वो हकीकत में खुद भी तो खाली होते हैं, वो खुद भी जिस चीज का ढोल बजा रहे होते हैं उनके पास कहाँ होता है वो सब कुछ। अब उनके इखलाक को देख लें तो वहां भी यही कुछ मिलेगा, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को किसी ना किसी तौर जो बात बता रहे होते हैं कि इस तरफ आओ, तो उनमें उनके अल्फाज के आपको समझ आ जाती है कि ये जो नारेबाजी से रोकना, लेकिन आज आपको वही नारेबाजी इतनी आम नजर आती है, इतनी कॉमन के नारों के बगैर कोई बात शुरू भी नहीं होती और खत्म भी नहीं होती, और इतने बरमला इजहार नारे लगा के समझते हैं कि हमने अगर अहमदीयत जिंदाबाद कह दिया तो वो जिंदा हो गई। जिस तरह एक जुनून पाया जाता है, जोश पाया जाता है नारों में, वो देख के एक तरह से खौफ आता है और आपको शिद्दत पसंदी नजर आती है कि ये क्या है, मतलब इतना ढोल पीटना इसका क्या मकसद है। बड़ी इनके इसी की को अगर आप रिलेट करें बाकी जगहों पे भी, अव्वल तो आप ये देखें कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद का ये जो इनके फरमान है वो उनकी औलाद में ही नहीं माने, यानी उनके औलाद में से जो खुलफा बाकी आए हैं वो खुद जलसों पे खड़े होके बकायदा नारे लगवाते होते थे। उन्होंने एक बकायदा जमात जलसों की रीत बना डाली नारे लगाना, जोश जोश से बकायदा एक पूरा एक मुहिम की तरह एक पूरा एक पलटून तैयार की जाती थी जो होती नारे लगाने के लिए थी। अब दूसरी तरफ से आप ये देखें कि यही बात कि एग्जैक्ट हूबहू यही मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने बारहा तस्वीर को इतना बुरा करार दिया कि उन्होंने कहा मेरी एक ही तस्वीर है, इसलिए कि लोग बाद में जो है कुछ और ना बना लें, मशाबत ना मुझे दे दें किसी और से, इसलिए मैंने वो एक, लेकिन उसके बाद उन्होंने तस्वीर बनाने को शदीद शिर्क और बड़ा बुरा करार दिया, जगह जगह उसकी ममानियत की, गलत करा। लेकिन आज आपको खुलफा की तस्वीरें कपों के ऊपर, कीप चेन्स पे और आप किताबों पे, क्या आप नाम लें किसी चीज पे जो पब्लिसिटी के लिए है और जहाँ पे खलीफा की तस्वीर नहीं है? तो मतलब उन्हीं के जो खलीफा मतलब है उनके औलाद उन वो ही नहीं मान रहे, तो ये तवक्कु रखते हैं कि बाकी तमाम जो दुनिया है वो मानेगी। अब इसी चीज को आप आगे लेते आए कि ये एक दो फरमान नहीं है इस तरह के आपको बेशुमार नजर आते हैं जा बजा जमात के अंदर। हर वो चीज जिसको मना किया गया है ऊपर के लेवल पे वो आपको उतनी शिद्दत से अंदर राइज नजर आई है, और ये बड़ी एक क्या अफसोसनाक जो हकीकत है यहाँ की कि जितनी जो चीजें मना की गई हैं उतनी वो अंदर, जिस तरह मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की ही बेटी ने इनके अपने मजमून में लिखा था
कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरी वालदा को लगा बंदा जो है पॉकेट मनी देते थे, और वो पॉकेट मनी में से जब वो चंदा देती थी तो उन पे बकायदा उनकी सरजनिश की जाती थी कि तुमने चंदा मुझसे पूछ के और अगर कम से कम दो, अगर मैंने दे दिया है तो तुमने नहीं देना, क्योंकि ये तो तुम्हारी पॉकेट मनी है, तुम्हें क्या चंदा कितना का दोगे तुम। मतलब चंदा देने पे भी उनकी सरजनिश की जाती थी, और यही चंदा जो है जमात के ऊपर हर फर्द के ऊपर इतनी सख्ती से मतलब राइज है कि आप सोचें कि जिस तरह एक रस्म की तरह अदा की जाती है बच्चों के ऊपर, जो बेचारे बच्चे भी पैदा हुए हैं आंखें नहीं खोली लेकिन चंदा उनके नाम पे चंदे दिए जाते हैं। मतलब आप सोचें कि जो बीवियों को मना करते रहे जो खुलफा, जो जिन्होंने चंदे की स्कीम निकाली, जिन्होंने वो पूरा का पूरा जो है सिस्टम क्रिएट किया चंदे का, जो हजारों किस्म के चंदे जो मुसल्लत किए, वो अपनी बेगम को खुद मना करते थे, सरजनिश करते थे, ये उनकी अपनी बेटी का कहना है, और उन्हीं के चंदे जो है बाकी लोगों के ऊपर इस तरह मसल्लत है कि आप कह के देखें आज इनको कि चंदे कितने क्यों हैं, वो आपको हजार जो है दलाइल देंगे उसकी। मतलब ये कोई आपको कहीं लॉजिक नजर आती है इन चीजों में? ये हर वो चीज जो तहरीरी तौर पे इनके अंदर मना है वो अमली तौर पे राइज है। ये बड़ा अजीब एक जिसे कहते हैं ना दो डिफरेंट सतह है। अगर आप इनको गौर करें तो हर वो चीज जिसे कहते हैं हाथी के दांत, ये सामने जो नजर आएंगे आपको वो चमकते धमकते और खूबसूरत, वो अंदर उतने खौफनाक हैं। तो ये दोनों तरफ बड़े भयानक हैं। हर वो चीज आपको ऊपर के लेवल पे जो आपको किताबें आपको पढ़ने में मिलेंगी, आपको वो बड़ी हसीन नजर आएंगी चीजें, लेकिन अमल उससे अलग है।